मित्रों, पिछले कुछ दिनों से जो षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कविता लिखी, जो वैश्विक ताकतों ने मिलकर एक जमाबंदी कर रखी है और जिसमें हमारा देश के नेताओं ने भी और सभी बड़े लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और एक माहौल बनाया गया है। वो माहौल क्या है, वो इशारा क्या है, वो षड्यंत्र क्या है, उस ओर इंगित करता हूँ। उससे पहले अगर आप नए आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक ऐसी जागरूक कविता पहुँचे। अगर आप मेरे इस इशारे को नहीं भी समझ पाते हैं तो कम से कम काव्य पाठ का आनंद लें। हवाओं में विस्का कर जीवन मृत्यु कारण, रोजगार कारोबार सब बंद, वातावरण में कुछ तो है गंद, कहीं ऐसा तो नहीं ये सब है षड्यंत्र। चुप खामोश रह, ये है लोकतंत्र, ये राजा का नया है राजतंत्र, कहीं ये भेद खुल न जाए, षड्यंत्रक प्राण घातक न बन जाए, अपनी भलाई देख और दम साधे रह, भेड़ चाल का निर्वाह कर, झटके से नहीं तिल तिल कर मर, लक्षण नहीं फिर भी जांच करा, बीमार नहीं फिर भी इलाज करा, छूकर नहीं फिर भी छूट है, भेदभाव को खुली छूट है, हमारी मर्जी हुई तो जनसभा होगी, हमारी मर्जी हुई तो जनसभा होगी, पर खतरे की कोई बात नहीं होगी, मर्जी हुआ तो खेल होगा, तब भी मर्जी फेल होगा, पर आम जन की मर्जी नहीं चलेगी, छूट उनको नहीं मिलेगी, रोजी रोटी कतई नहीं चलेगी, जान का खतरा है, ढिलाई थोड़ी चलेगी, पुलिस फिर नकेल कसेगी, महंगाई कमर तोड़ेगी, पढ़ाई का विलोप होगा, आहा कितना उत्तम देश विकसित होगा। धन्यवाद।